Another topic in political science, that is different commissions and role of these commissions to protect concerned section of the society, like as role of women commissions to protect the interests of women, because nowadays violence against women has been increased exponentially without any control, and it is a great threat to the humanity. Similarly, protection of interest and rights of SC/ST community by the National Commission of SC and ST. Similarly, nowadays several instances of violence, violence against human rights. So, role of National Human Commission in this areas nowadays: mob violence, mob lynching, hatred speech, wrong use of social blogging sites, hacking, online stalking, acid attack. Nowadays several threat nowadays we have going through. So role of National Human Rights Commission. तो ऐसी ऐसी चीज़ें एग्जाम के अंदर में लगातार पूछी गई हैं, और ये बहुत आसान है. हाँ, एक तो रहेगा ही, 150 वर्ड्स में इसको पूछने की ट्रेंड रही है. अब वो बस आपको ये देखना चाहता है कि आप वर्तमान घटनाओं से इन संस्थाओं की उपयोगिता के ऊपर कुछ बातें जोड़ सकते हो कि नहीं जोड़ सकते हो. ठीक है, सिमिलरली जैसे अगर मैं बात करूं नेशनल कमीशन फॉर एससी या एसटी, ठीक है, और फिर मैं बात करूं तो ये किसमें दिया गया, कौन से आर्टिकल में? थर्टी एट ए. फिर ऐसा ही एक ओबीसी कमीशन बना दिया गया है, नेशनल कमीशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस, 338B, ऐसा करके बनाया गया है ना. तो ये आर्टिकल्स अगर मोर और लेस याद रहेंगे तो इनकी एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस पता होनी चाहिए. फिर जैसे ये सब संस्थाएं दिखाई दे रही हैं, जैसे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल विमेन कमीशन, ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशन में तो कहीं है नहीं, नॉट मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन. नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इन 1993 के है, और ये नेशनल विमेन कमीशन ये भी उसी के आसपास में है, 92 के आसपास में. ठीक है, और इनका कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है तो क्या लिखेंगे, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल. कैसी बॉडीज हैं, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, एंड दीज आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज. अब इसकी अगर हम बात करें तो इनको क्या अधिकार दिए गए हैं, अगर देखोगे तो लमसम इनके राइट्स एक जैसी हैं. कैसे? ठीक है, इनको सिविल कोर्ट्स की राइट होती है, सिविल कोर्ट राइट्स. All the institutions have civil court rights, means a right to summon, ask information, investigation, ठीक है, testify witness and accused. समझ रहे हो, दोनों को testify करेगी, परीक्षण.
और राइट टू गिव डायरेक्शन फॉर FIR, अपने से नहीं लॉन्च कर सकती, डायरेक्शन दे सकती है। और ये कैसा है, डिस्क्रिशनरी है, मतलब ये पुलिस के ऊपर है, पुलिस डिस्क्रिशन है ये। वैसे ये लोग भी FIR करवा देते हैं, पुलिस डिस्क्रिशन माने पुलिस जांच करती है मसले की, वो तो हर मैटर में करती है, जनरली इनकी बातों को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अवेयरनेस फैलाना। अवेयरनेस फैलाते हैं, फिर पार्टिसिपेशन इन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, फिर क्या करते हैं ये, सिटिंग विथ गवर्नमेंट इन पॉलिसी फ्रेमिंग, सिटिंग विथ गवर्नमेंट इन पॉलिसी फ्रेमिंग, नीतियों को लगाने में। ठीक है, इनके पास वो भी लिख लेना सियो मोटो, सेल्फ कंसिडरेशन ऑफ द मैटर भी होती है। ठीक है, सो दे हैव such kind of rights. If office is constitutional, members are appointed by president, by executive, by president, and these members are appointed by NHRC वाला तो president है, by president. And these members are appointed by women commission वाले by government. अब देखो ये प्रधानमंत्री की ओर से ही हो जाती है नियुक्ति, इसमें राष्ट्रपति का ज़्यादा इंटरफेयर नहीं होता है। ठीक है, तो राइट्स तो ऐसा ही लग रहा है, नहीं, सिमिलर राइट्स दे हैव, सिमिलर राइट्स दे हैव, या रिसर्च पेपर भी निकालते रहते हैं, मैंने सजेशन पेपर या रिसर्च पेपर कह लो, सारे लोगों को बैठा के ये करते हैं, और अगर कोई नीति हो तो उसका विरोध भी करते हैं, अपोज ऑफ मिसफिट रूल्स, या अपोज भी करते हैं, अपोज ऑफ मिसफिट रूल्स। इनकी खासियत क्या है कि ऑल मेंबर्स आर फ्रॉम द रिलेवेंट कम्युनिटी, सो दे नो हाउ टू एड्रेस ग्रीवेंसेस। विमेन वाले में विमेन रहेंगे, एससी वाले में एससी रहेंगे ना, उसमें पंडित और वो तो होंगे नहीं, मामला तो और बिगड़ेगा। तो दीज कमीशंस हैव members from concerned section so that they are able to address grievances या रिड्रेस ग्रीवेंसेस, समस्याओं को निराकरण करने में इनके लिए आसानी होती है, क्योंकि उसी कम्युनिटी के लोग होते हैं ये, दे बिलोंग टू दैट कम्युनिटी एंड दैट इज वेरी इजी टू रिड्रेस प्रॉब्लम ऑफ दैट कम्युनिटी। सो दीज ऑर्गेनाइजेशंस हैव सिमिलर राइट्स, फ्यू आर कॉन्स्टिट्यूशनल, फ्यू आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इट मीन्स दैट नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इट इज नॉट राइट वर्ड, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। सो फ्यू इंस्टीट्यूशंस लाइक एज एस सी एस टी कमीशन, और लाइक एज एस सी एस टी और ओ बी सी कमीशन, दीज कमीशन्स आर कॉन्स्टिट्यूशनल, अपॉइंटेड मेम्बर्स आर अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट, एंड दीज कमीशन्स आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉट मैंशनड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हाउ एवर NHRC हेड
इज अ रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. वुमेन कमीशन मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाई गवर्नमेंट डायरेक्टली एंड दीज इंस्टीट्यूशंस हैव लमसम सिमिलर राइट्स इन टर्म्स ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ देयर कम्युनिटीज. सो इफ दे हैव दीज राइट्स देन ईजी टू प्रोटेक्ट राइट्स. ये ईजी है, ठीक है, लेकिन एक चैलेंज भी है. ये तो इनकी राइट्स हो गई, ठीक है, अब इनके ऊपर आरोप क्या लगता है, एक्यूजेशन क्या है कि ये सही से काम नहीं कर रहे हैं. ये ट्रिक है इनको लिखने का. ट्रिक मतलब कि पूछे अगर एक कोई ऑर्गेनाइजेशन पूछेगा, ठीक है, मोस्टली संस्थाओं में से, और अगर एक कोई ऑर्गेनाइजेशन पूछे तो इसके लिखने का ट्रिक सबसे अच्छा है कि एक ओवरऑल एक कॉन्सेप्ट बना लिया और उसको लिख लिया, ठीक है. एक्यूजेशन क्या है इनका, इनके ऊपर आरोप क्या है कि ये देखो इंटरेक्शन को बढ़ावा नहीं देते, अपने से उनका बायस्ड होते हैं, ये बायस्ड लाइक एज वी हैव सीन इन सेवरल इंसिडेंट ऑफ रेप वेयर विमेन कमीशन मेंबर्स इवन इन स्टेट दे आर क्लिकिंग पिक्चर्स विथ रेप विक्टिम विथ ए स्माइल. इट्स अ काइंड ऑफ इनसेंसिटिविटी टूवर्ड्स अ क्राइम एंड एस्केलेशन ऑफ क्राइम वॉज दे पोस्टेड दैट पिक्चर ऑन दी सोशल ब्लॉगिंग साइट्स. बाद में इसका बहुत हल्ला हुआ तो फोटोग्राफ हटा लिए गए. तो यहाँ पे थोड़ा बायस्ड होते हैं, मतलब इनका अपना एक होता है और ये थोड़े से कैसे होते हैं, डिसकनेक्टेड लोग ज़्यादा होते हैं, डिसकनेक्टेड फ्रॉम कॉमन पीपल. अब देखो कई बार फॉर एग्जांपल दिल्ली में ही कई बार आपने सुना होगा कि कितना सारा अभी जैसे इतना लाठीचार्ज हो रहा है, ये हो रहा, कहीं दिख रहे हैं ये सब, कहीं है विमेन कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये कौन से कमीशन है कुछ पता नहीं लग रहा है. ये जैसे मसला खत्म, ये प्रिफरेबल तरीके से काम करते हैं. ऐसा लगता है कि इनको कहते हैं कि ये पॉलिटिकल रिवॉर्डिंग पोस्ट है. इनको क्या कहते हैं, दे गेट पोस्ट एज ए पॉलिटिकल एफिलिएशन या पॉलिटिकल कनेक्शन एफिलिएशन रिवॉर्ड. Political affiliation reward. It is considered as political affiliation reward. कोई लंबे समय से जुड़ा हुआ है तो उसको ये दे दिया, ठीक है. फिर इनके ऊपर क्या आरोप लगता है कि इनका कोई टाइम पीरियड नहीं है, ये फैसला जा रहा है इन तक तो कब तक आएगा, नो टाइम बाउंडेशन फॉर द इन्वेस्टिगेशन. तो फायदा क्या है फिर, नो टाइम बाउंडेशन, नो टाइम बाउंडेशन फॉर द इन्वेस्टिगेशन, नो टाइम बाउंडेशन फॉर द इन्वेस्टिगेशन. तो फायदा क्या होगा फिर, जब टाइम बाउंड ही नहीं है तो फिर क्या फायदा होगा, ठीक है. नेक्स्ट और क्या इनकी समस्या है, इनको हटाने की प्रक्रिया आसान है, कोई इनको सेफ गार्ड नहीं है. दे कैनॉट वर्क इंडिपेंडेंटली लाइक एज सुप्रीम कोर्ट जजेस एंड कैग एंड इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है. तो क्या लिखोगे, दे आर वर्किंग ऑन द प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट. तो हो गया ना दिक्कत, ऑब्वियसली प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट तक काम करते हैं ये. तो इनके ऊपर एक दबाव है कि अगर इन्होंने प्रेफरेबल डिसीजंस ना दिए, कभी सुना है गवर्नमेंट के विरुद्ध में दे दें, we generally are not getting it against the government because they are working on the pleasure of president and president is bounded by follow the advisory of PM in council according to article 74(1) which is included by 42nd constitutional amendment in 1976 by Indira Gandhi. So therefore they are obliged to pay their political obligation. इनको अपना एहसान चुकाना है ना, तो वैसे ही चुका देते हैं. और इन्हीं कौन फंसेगा ये सब वायलेशन में, सरकार के लोग होंगे, नेता होंगे और एजेंसीज होंगी सरकारी, यही होगा ना.
तो ये हो गया। देखो इतना इतना कुछ हो रहा है, पहले भी हो रखा है, कांग्रेस भी कराती थी तो भी ये सब कमीशन ऐसे ही थे, और अभी सरकार बदली है तो भी ये कमीशन ऐसे ही है। ये रहते कहाँ हैं, करते क्या हैं, कौन से लोग हैं, कौन से लोग हैं, इनका व्यवहार एलियन जैसा लगता है। ये नॉर्मली नहीं दिखेंगे, कभी कभी उभर के सामने आते हैं। पता नहीं किसी बॉलीवुड के एक्ट्रेस एक्टर की स्टेटमेंट को नेशनल विमेन कमीशन ने इशू बनाया था कुछ दिन पहले। उसने कुछ कमेंट किया था किसी के ऊपर और उसको नेशनल विमेन कमीशन ने नोटिस भेज दी। तो उनका इंटरेस्ट किधर ज़्यादा लग रहा है, बॉलीवुड की तरफ और जो बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन कॉन्सर्न कहाँ पे है, यहाँ पे ज़्यादा है ना। फिर ह्यूमन राइट्स कमीशन वाले कहाँ से कूदा है, जो हैदराबाद का एनकाउंटर है उसमें कूदा है। वो कह रहे थे कि अपराधियों का भी उनकी स्टेटमेंट मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि व्हाट दे आर ट्राइंग टू गेट फ्रॉम देयर। वो ये दोनों बातें कह रहे थे कि जो हुआ है वो ह्यूमन राइट्स के विरोध में है, लेकिन अगर उन्होंने क्राइम किया है तो उनको सजा ठीक ही मिली है। तो इन विच डायरेक्शन दे आर ट्राइंग टू गो, इट इज़ नॉट वेरी क्लियर। तो ये मेंबर्स ऐसे ही होते हैं, विमेन कमीशन के मेंबर देखोगे बहुत मेकअप करके और बहुत सब बैठे रहते हैं और एसी ऑफिसेज में बैठते हैं। दे आर यूजलेस फेलोस, कहीं मेरे ऊपर ना वो लगा दें आरोप। नहीं ऐसा नहीं है, काम भी करते हैं लेकिन कुछ खास नहीं हो पाता है जितना हमें देखो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी होती है तो उससे हमारी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है। ठीक है, समझ गए, ठीक है, जब होगा तो देखेंगे। खैर तो ये हो गया। देखो हमारी कॉन्सर्न क्या है कि जो जेन्युइन मुद्दे हैं उसको उठाया जाए, चाहे एजेंसी कोई भी हो, जेन्युइन मुद्दे हर मामले में आने चाहिए ना। दीज आर ओनली शोइंग टीथ ऑफ एलिफेंट। एक होता है ना, बड़े बड़े दांत दिखाई देते हैं, देखने से भारी भरकम लग रहा है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसका ह्यूमन से लग रहा है कोई सरोकार नहीं है। तो ये एक दिक्कत है, जबकि जज इसके रिटायर्ड चीफ जस्टिस होते हैं हेड, तो इट इज इंटरेस्टिंग पॉइंट। ठीक है, समझ गया, लिख लोगे। तो ये कॉन्सर्न्स हैं, ऐसा आप कॉन्सर्न्स लिख सकते हो और कुछ राइट्स लिख सकते हो। तो अगर पूछे कि कैसे सेफ गार्ड करेगा तो ऐसे सेफ गार्ड करेगा, और अगर पूछे कि क्यों नहीं कर पा रहा है तो इस कारण से नहीं कर पा रहा है। तो इसके लिए क्या करना होगा, इनको इंडिपेंडेंट सलाह में वही लिख दोगे कि इनको नियुक्तियों में रिमूवल की प्रोसेस होनी चाहिए, इनको जो इसमें जो स्कॉलर लोग होने चाहिए उसमें ऐसा होना चाहिए कि इनकी नियुक्ति में विपक्ष के लोग भी सम्मिलित होने चाहिए, है ना। सरकार पता नहीं किसको अपॉइंट कर रही है, अपने प्रेफरेबल लोगों को कर सकती है, ठीक है, उन्हीं को करती है। तो इसमें अपोजिशन के लीडर्स भी होने चाहिए। तीसरी बात कि आम जनता में अवेयरनेस कंपेन चलाना होगा खुद सरकार को। इन एजेंसीज के पास इतनी फंडिंग नहीं है, तो गवर्नमेंट शुड रेज जनरल अवेयरनेस अबाउट दीज एजेंसीज। वेन एवर एनी पीपल फेसिंग प्रॉब्लम देन दे विल रीच टू दीज एजेंसीज फॉर दी ग्रीवेंस रिड्रेसल। किसी कोई प्रॉब्लम है तो जाए वहाँ पे, पता होगा तभी तो जाओगे ना। कई लोगों को तो पता ही नहीं चलता कि मसला क्या है। ठीक है, वही जैसे एनआरसी और सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल का चल रहा है, जैसे जा रहे थे जंतर मंतर धरना करने, तो हाँ तो चार पांच लोग रास्ते में मिलते गए, जैसे विश्वविद्यालय तक गए, फिर उधर पहुँचे चांदनी चौक और इधर उधर, तो चार पाँच लोग हो गए, 10 लोग हो गए, 9 को पता ही नहीं है इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल और एनआरसी में फर्क क्या है। हाँ, जैसे जन लोकपाल आंदोलन जो हुआ उसमें लाखों लोग जुटे थे अन्ना के समर्थन में, लेकिन क्यों समर्थन कर रहे थे उन्हें नहीं पता था। वो बस जान रहे थे जन लोकपाल कोई ऐसी चीज है जो अच्छी ही है, और उनसे जब बिल के उन्हें लोकपाल ही नहीं पता था कि ये कौन है। अलग अलग लोगों की अलग अलग ओपिनियन होती थी, जब मीडिया वाले पूछते कि आप क्यों हो यहाँ पे, देन पीपल रिप्लाइड कि हमने गांधी को नहीं देखा था इसलिए देखने चले, गांधी 2 सीक्वल ऑफ गांधी। फिर लोगों ने कहा कि हमने नन कोऑपरेशन मूवमेंट नहीं देखा था, देखा था। क्योंकि नहीं, क्यों क्यों करेंगे धरना, क्योंकि उनका काम तो हो गया ना। देखो धरना, अच्छा देखो धरना प्रदर्शन, मेरा ऐसा मानना है कि धरना प्रदर्शन कौन करता है, खाली लोग,
अब उनका व्यवसाय तो चल निकला है ना, तो उनका व्यवसाय चल निकला तो धरना प्रदर्शन क्यों करेंगे? धरना प्रदर्शन अभी फॉर एग्जांपल मान लो कि प्रेफरेबल गवर्नमेंट आ जाए, जो लोग मान लो धरना प्रदर्शन में लगे हुए, ठीक है, तो उनकी प्रेफरेबल गवर्नमेंट आ जाए, जो पार्टीज लगी हुई हैं। देखो आम जनता तो जेन्युइन है कि भाई उसको कुछ राइट्स चाहिए, और जनता को आप राइट्स नहीं दोगे तो सुनवाई है नहीं, तो कुछ ना कुछ तो प्रदर्शन करेगी। हम ये भी नहीं कह सकते कि भाई सरकार एकदम सही है, और हम ये भी नहीं कह सकते कि एकदम गलत है, हम ये भी नहीं कह सकते कि लोग गलत हैं। देखो मीडिया में भी इसकी कवरेज कम रही कि इतने बड़े बड़े शांतिपूर्ण मूवमेंट हुए मुंबई के अंदर में, गुजरात के अंदर में, बेंगलुरु में, उसका कोई किसी ने उल्लेख नहीं किया, और वायलेंस हो गई तो उसका टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज़ आ रहा है। तो क्या मीडिया एक बायस्ड नोशन बना रही है क्या कि भीड़ हमेशा हिंसा ही करती है? हाँ तो ये देखो तो जो मीडिया हमें दिखा रही है क्या वो पेड तो तरीके का तो नहीं है? एक खास इमेज बनाई जा रही है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं सारे माफिया हैं। एक जो इमेज बनाई जा रही है कि जो भी यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले लोग हैं या असम के लोग हैं वो देश विरोधी हैं, ऐसा नहीं है। लोग की अपनी कॉन्सर्न है और उनको ठीक से एड्रेस किया जाना चाहिए। आप बस ये बोल के कि भारत माता की जय और जो हमारे साथ नहीं खड़ा है वो विरोध में खड़ा है, ये अमेरिका की भाषा है, तो अमेरिका की भाषा भारत में ना प्रयोग करें और भारत के लोगों की कॉन्सर्न को समझें। और एक और सवाल है कि पुलिस इतना क्यों मार देती है कि किसी की आंख चली गई, किसी की डेथ हो गई, पुलिस फायरिंग करके इनकार कर रही है कि मैंने फायरिंग नहीं किया, और सबसे मजे की बात यह है कि कुछ लोग जस्टिफाई कर रहे हैं कि फायरिंग किया जाना सही है फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर। शायद वो लोग पुलिस की सेवा लिए नहीं है, मिल ही जाएगा कुछ दिन में अगर यही हालात रहेंगे तो। हाँ ठीक है, लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है केवल इस बात के लिए कि फेसबुक पे उन्होंने अपनी ओपिनियन दे दी, लोगों को इस बात के लिए अरेस्ट किया जा रहा है। सावधान इंडिया से सुशांत सिंह को इसलिए डिसमिस कर दिया सोनी टीवी ने क्योंकि उसे डर था कि उसका कार्यक्रम रोक लिया जाएगा। ये किस तरीके के हालात हैं? एंकर जो था सावधान इंडिया का, उसने एक दिन प्रोटेस्ट में भाग लिया था, वो भी पीसफुल है, कि आई एम नॉट अगेंस्ट, आई एम अगेंस्ट CA। तो ठीक है भाई, अगर आपकी ओपिनियन पक्ष में है और विपक्ष में जो भी है, तो अब इसके लिए अब लेकिन सब डरे हुए महसूस कर रहे हैं। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि अब इस समय आमिर खान कहाँ है या नसीरुद्दीन शाह, सब लोग अपनी रोटी सेक रहे हैं, ठीक है। उनको पहले डर लगता था, अभी अब बोल ही नहीं रहे। अभी बोलना चाहिए था ना कि आप इसके पक्ष में हैं, विपक्ष में हैं, कहाँ हैं। ना मुझे नसीरुद्दीन शाह दिखे, ना मुझे आमिर खान साहब दिखे। ये लोग तभी बोलते हैं जब मूड होता है, जब इनकी मूवी रिलीज होने वाली होगी तो ये कुछ शिगुफा छेड़ेंगे जिससे कि पब्लिसिटी स्टंट करते हैं कि इनकी मूवी न्यूज़ में आ जाए, ठीक है, तो उस समय इनकी राइट्स याद नहीं आती है। तो सवाल कई सारे खड़े हैं। जो लोग हिंसा का समर्थन कर रहे हैं वो ठीक नहीं है कि देखो पुलिस राज ठीक नहीं होता है, पुलिस अगर बार बार लाठी चलाए, गोली मारे, इट इज़ नॉट गुड, वो गोली हमारे तक भी घूम के आएगी। मैंने देखा है ना कि कई लोग बीजेपी के समर्थक हैं, खूब कह रहे थे गोली चलाओ, डंडे से मारो। अभी मैंने देखा कि एक 6 महीने से यही कह रहा था, कुछ दिन पहले उसने फोटो डाला था कि ब्रूटैलिटी ऑफ पुलिस, वस्त्र पहने था लेकिन उस पर डिजाइनिंग कई तरीके के थे, मतलब पूरा वस्त्र ही नहीं समझ लो पिट के हो गया था, कह रहा था कि ये अन्याय नहीं सहेंगे। अभी तक कह रहा था कि पुलिस ठीक कर रही है यूपी के अंदर में, ठीक है, और जब पुलिस ने उसकी ओर गियर मोड़ दिया देन, तो अगर इस तरीके से अंधाधुंध भीड़ में गोली चला के पुलिस डिनाई करेगी, ये भी ठीक नहीं है। प्रदर्शनकारियों में भी ये देखना होगा कि जैसे कुछ लोग बहुत उत्साही हैं, कोई पॉलिटिशियन जैसे मान लो भीड़ अपना शांतिपूर्ण मार्च कर रही है, उसी में से कोई अगर पेट्रोल बम लेके या ईंट पत्थर मार रहा है तो भीड़ उसे पकड़ ले। कई जगहों पे डीसीपी ने देखो पुलिस, हम पुलिस को भी बेंगलुरु में डीसीपी ने अच्छा यूज़ किया टैक्टिस, महाराष्ट्र में अच्छा यूज़ किया, तो प्रेजेंस ऑफ माइंड, मैं क्या बात करता हूँ कि आप बढ़िया, पुलिस में भी अच्छे लोग हैं, भीड़ में भी अच्छे लोग हैं, दोनों का एक जो अच्छा चीज़ है उसको लाया जाए, और लड़ाई झगड़े से तो समाधान होना नहीं है। आप जैसे बम फेंकोगे तो उनके पास पुलिस है, मिलिट्री है। एक बात कही जा रही है कि अफवाह है, अफवाह है सर, इतने बड़े लेवल पर अफवाह नहीं होती, क्योंकि सर कहीं ना कहीं लोग नाराज भी हैं, नाराज हैं मीडिया से, जो
किसी प्रॉब्लम को देखो नहीं कर रहे। देखो प्रॉब्लम ये है ना कि अगर सरकार बातचीत नहीं करेगी तो प्रॉब्लम होगी। जैसे सरकार इस अंदाज में बात करे कि अब चाहे कुछ भी हो जाए नियम लगा के रहेंगे, तो गुस्सा ये बात का है। कहना ये चाहिए था कि एक प्रपोजल है, जिन जिन पक्षों को ऐसा लग रहा है कि बातचीत की जानी चाहिए तो दे शुड कम फॉरवर्ड, एक अप्रोच ये होना चाहिए। लेकिन अगर आप बहुत डिक्टेटर तरीके से बोलोगे, मुझे भी वो अंदाज पसंद नहीं है और पर्सनल ओपिनियन में, लेकिन ऐसा भी नहीं कि मैं एकदम सरकार का विरोधी हूँ या एकदम आंदोलनकारियों का पक्षधर हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ें बातचीत से हो सकती हैं और अवेयरनेस के माध्यम से हो सकती हैं और सभी पक्षों को बैठा बुझा के हो सकती हैं। अब जैसे NRC लागू होगी तो 3 पीढ़ियों का हिसाब देना होगा। अब जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं वो कहाँ से 3 पीढ़ी का हिसाब देंगी? कई लोग, हाँ, जो गरीब है बहुत, जिसको खाने के लाले पड़े हुए हैं, तो फिर कहीं ये जेन्युइन कॉन्सर्न तो है ना लोगों का, कि ये जेन्युइन कॉन्सर्न है कि NRC लागू कर दोगे तो उसके लिए अचानक से आप तो बोल दोगे डेडलाइन है ये, और फिर आम जनता जैसे ATM के बाहर खड़ी थी लगी रहेगी देश निर्माण में, है ना। और एजेंसीज वाले कहेंगे कि हाँ, अभी जैसे असम में NRC लागू की गई और असम में लोगों ने एवरेज 2,000 से 5,000 रुपए दिए हैं NRC वाले अधिकारियों को बनवाने के लिए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अब देखो तुमको हम देश विरोधी सिद्ध कर दे। हाँ, वो अधिकारी तो कमाने का मौका लग गया ना, इसीलिए वो दिन रात पढ़ा था वो स्टूडेंट लाइफ में। हाँ ठीक है, वो मुस्कुरा रहा है कि जैसे मान लो उसको 10,000 दे दिया तो सिटीजनशिप इतना पक्का कर देगा कि आने वाली 50 पुश्तें भारत में ही फिक्स हो जाएंगी, और अगर उसने 500 रुपये कम दे दिए तो उसका थोड़ा कमजोर कर देगा कोई ना कोई क्लॉज। मान लो 500 रुपये दिए तो कह देगा कि इसकी एक पुश्त यहाँ की एक विदेश की है, पता नहीं क्या कर दे। तो ये सब हैं जेन्युइन कॉन्सर्न्स जिसे हमें डील करना चाहिए। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। इन एजेंसीज को थोड़ा बेहतर बनाएं, कठपुतली जैसा ना हो। और इसीलिए देखो भारत में कोई रिफॉर्म कर ही नहीं रही है सरकार, जानबूझ के नहीं कर रही है, ना कांग्रेस करती थी ना BJP कर रही है। पुलिस को अपने हाथ का हथकंडा बना लिया है पॉलिटिशियंस ने। जो भी पार्टी सरकार में होगी वो क्या, कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? कांग्रेस पहले ऑर्डर देती थी कि लाठी चार्ज करो, अपोजिशन को पिटवाओ, सेम काम यही हो रहा है। अब वो चीख चिल्ला रहे हैं क्योंकि उन्हें अंदर से पता है ना कि क्या हो रहा है, उन्होंने तो करवाया है ना, तो जान रहे हैं कि किसके इशारे पे हो रहा है, सारा कुछ उन्हें पता है, अनुभव तो उनका लंबा है। और BJP भी यही कह रही थी, जब कांग्रेस के 50-55 साल रूल के हो गए तो BJP यही कह रही थी कि इनको 55 साल आपने मौका दिया, हमें कम से कम 25 साल तो दो, कुछ हमारा भी बनता है कि नहीं, हाँ, किस देश के संसाधनों के ऊपर जनता का बने या ना बने, लेकिन पार्टी का तो बनता ही है। फेसबुक पे लोग लड़ जा रहे हैं, वहां कोई भारत माता की जय का नारा लगा रहा है, कोई वहां पे काला फ्लैग बना के भाग जा रहा है, कोई किसी के अकाउंट हैक कर ले रहा है। ये हमारे देश के क्रांतिकारी हैं, फेसबुक के भगत सिंह और रामप्रसाद बिस्मिल। तो बहस हो जा रही है, जैसे किसी ने अगर लिख दिया कि हाँ कमेंट में लड़ाई हो जा रही है, जैसे अगर किसी ने लिख दिया कि आई एम अगेंस्ट CA and NRC तो नीचे लिख रहे हैं लोग तुम देशद्रोही हो, तुम इसका चेक करो ID तो नहीं फेक है या पाकिस्तानी है, नीचे कुछ लोग लिख रहे हैं, वो कोई जोड़ दे रहा है संबंध कि ये मोहम्मद अली जिन्ना से संबंधित है। ठीक है, अच्छा किसी ने लिख दिया कि मैं एकदम समर्थन में हूँ कि इसको लगना ही चाहिए, और हाँ तो नीचे लिख के लोग लिख रहे हैं जय श्री राम हर हर महादेव, और मान लो कोई दूसरी कम्युनिटी का है तो हाँ तो वो कह रहा है कि देखो मोदी भक्त और ये सब लिख के जा रहे हैं ना, अपनी अपनी ओपिनियन कर रहे हैं, ट्रॉल कर रहे हैं। तो ये भारत की जनता में यूथ तो बढ़ती जा रही है लेकिन बेरोजगार यूथ ज़्यादा है और विस्फोटक है, खतरनाक है, काम नहीं दोगे तो यही सब में ट्रॉलिंग में लगेंगे, पे फेसबुक और व्हाट्सएप पे गाली गलौच करेंगे, यही सब होगा। खैर, एक हो गया हमारा ये कैग। नेक्स्ट, अब देखो आर्टिकल कौन सी है इसकी, 148। कैग बेसिकली क्यों बनाया गया था ये पद? सरकार के खर्चों का ब्यौरा।
ठीक है, टू चेक एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट, टू चेक एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट, टू चेक एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट, सरकारी खर्चों के ब्यौरे की जांच के लिए, ठीक है, ये बनाया गया था। जात भेजते रहते हैं, इनका इनका पूरा यही काम ही है कि सरकारी खर्चों का ब्यौरा देना। अभी हम मेन बॉडी में लिखेंगे। फिर देखो कैग से रिलेटेड सवाल ये भी आ जाते हैं कि क्या कैग इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है, कभी कैग बहुत सक्रिय हो जाता है और कभी एकदम शांत हो जाता है। तो इसमें सवाल उठता है कि इज इट वर्किंग, इज ही वर्किंग इंडिपेंडेंटली, क्या वो कर पा रहा है। तो इसकी इंडिपेंडेंस पे सवाल खड़े होते हैं, तो हमें तो यही देखना होगा ना कि क्या ये इंडिपेंडेंट है या नहीं है, क्योंकि इसकी नियुक्ति कैसे होती है, अपॉइंटमेंट बाई, ये इशू कहां से रेज हो रहा है, इशू रेज हो रहा है बिकॉज अपॉइंटमेंट बाई प्रेसिडेंट, क्यों बाई प्रेसिडेंट। और अभी तक जितने कैग बने हैं वो कौन से लोग हैं, आईएएस ऑफिशियल्स, तो प्रमोटेड वही होते होंगे। ऐसे ऐसे आरोप इनके ऊपर लगाए जाते हैं। मेन बॉडी के अंदर में इनके ऊपर हम फिर राइट्स को देख सकते हैं, क्या क्या इनके अधिकार हैं। तो देखो कैग क्या करता है, पहली बात कि जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन है, लगभग 8000 लोग इसमें काम करते हैं। अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट द्वारा तो होती है, ठीक है, लेकिन इसमें पीएम इन काउंसिल भी होती है, ठीक है। इसकी जो ऑटोनॉमी कैसे सिक्योर होती है, ऑटोनॉमी इसकी रिमूवल प्रोसेस से हटाया जाएगा, यूज ऑफ रिमूवल, 2/3 मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, रिमूवल से हटता है। फिर इसकी सैलरीज एंड अलाउंसेस कौन देता है, हाँ ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड पे होता है। फिर ये सब कम नहीं कर सकते, जॉब के रहते हैं ना, इसकी भी उम्र सीमा क्या होती है, एज 65 ईयर्स और 6 ईयर, विच एवर कम्स अर्लियर, ठीक है। तो कंसोलिडेटेड फंड इनकम ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है, इसके ऊपर होती है बेस्ड। ये किसकी किसकी एक्सपेंडिचर को चेक करते हैं, एक्सपेंडिचर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट एंड इट्स डिपार्टमेंट्स, देखना कितना बड़ा काम है, स्टेट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स एंड डिपार्टमेंट्स, बड़ा काम लग रहा है, स्टेट गवर्नमेंट एंड डिपार्टमेंट्स, ठीक है, भारी भरकम काम लग रहा है, ठीक है। और अब ये जो महारत्न, मिनी रत्न, ये सब कंपनीज हैं, महारत्न, मिनी रत्न, नवरत्न, ये सब की जांच करता है वो एक्सपेंडिचर की, ठीक है, रेलवे से लेके कोल इंडिया लिमिटेड से लेके सब इसकी जांच करता है। क्या प्राइवेट की भी जांच कर सकता है, प्राइवेट जो होंगी, लेकिन ये गवर्नमेंट फंडेड होनी चाहिए, मतलब अगर गवर्नमेंट का प्राइवेट इंस्टीट्यूशन और सरकार का एक रुपया भी लगा है ना तो करेंगे, ठीक है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का नहीं करती है, रिमेंबर इट, कैग विल नॉट इन्वेस्टिगेट और चेक एक्सपेंडिचर ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो ये करता है ये,
अब इस जो रिपोर्ट बनाएगा ये कहाँ भेजता है? पब्लिक अकाउंट कमेटी को भेजता है, पब्लिक अकाउंट कमेटी को भेजता है। पब्लिक अकाउंट कमेटी नो चेंज, समझ रहे हो? और फिर रिपोर्ट को कहाँ रखा जाएगा? बाई प्रेसिडेंट इन पार्लियामेंट, इसको संसद में रखेंगे, समझ रहे हो? इस रिपोर्ट को प्रेसिडेंट कहाँ भेज देंगे? संसद में भेज देंगे। फिर इस पर डिबेट होगा क्या? डिबेट होगा। और इस डिबेट से क्या बनेगा? पब्लिक ओपिनियन। लोकतंत्र में इसका महत्व है, बहुत है। इसको एक और अधिकार है, यहाँ चाहो तो लिख लो कि FIR के आदेश दे सकता है, FIR ऑर्डर। इफ एनमली विल फाउंड देन FIR ऑर्डर विल बी गिवन बाय CAG। FIR के ऑर्डर CAG दे सकता है, ठीक है? तो डिबेट बनेगी, ओपिनियन बनेगी। और ऐसा हुआ भी था, एग्जाम्पल लिखोगे कि जैसे विनोद रॉय के समय, नाम लिख सकते हो, कैग है ना, कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं है तो आप तो बस बता रहे हो। विनोद रॉय के समय ये सब कोलगेट और 2G स्कैम ये सब हुआ था ना, ठीक है, IRCTC ये सब घोटाले खुल के आए थे। और इससे क्या हुआ था? UPA 2 फॉल आउट, लिख सकते हो UPA 2 फॉल आउट। तो ये परसेप्शन से सरकार हारी थी, समझ रहे हो? पता नहीं कितना सही या गलत, लेकिन इट वॉज अ परसेप्शन अबाउट UPA 2, इट वॉज अ करप्ट गवर्नमेंट एंड नो वन वॉज हियरिंग थर्ड टाइम फॉर द UPA, एंड दैट इज वाई पीपल वर इन द सर्च ऑफ न्यू फेस। एंड वेन BJP पुट अ न्यू फेस फ्रॉम गुजरात, पीपल ओवरवेलमिंगली सपोर्टेड BJP प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट नरेंद्र मोदी। तो उसमें नरेंद्र मोदी जी की जो लार्जर देन लाइफ इमेज बनी, उसका पूरा योगदान किसे है? हाँ, कैग, इसको नहीं बोलते हैं बिलो बेल्ट, जो लोग समझ, रोज हम न्यूज़पेपर देखते हैं कैग ने ये दिया रिपोर्ट, कैग ने वो दिया, इसको कोई बदल भी नहीं सकता है ना, तो ये बहुत मुश्किल है काम। तो अब विनोद रॉय एकदम वैसे हो गए थे कि नहीं, एक सारा एक्सपोज करके ही रहेंगे, और पूरी करप्ट की इमेज बन गई। अब लोग कहते थे नहीं चाहिए भ्रष्टाचारियों की सरकार, अब की बार मोदी सरकार, ठीक है, ऐसा ही था ना। और एकदम से धुआंधार वोट मिला, दूसरी बार भी यही था। जब हम देखते कांग्रेस की तरफ क्यों वोट मिल जा रहा है, क्योंकि अपोजिशन गायब है पूरा सीन से, कोई भी नेता दिख रहा है ऐसा जो पीपल को लीड करे और फ्रंट पे आके उनकी इश्यूज को रखे? जनता खुद ही विपक्ष बन गई है ही नहीं, कैपेबिलिटी, कोई अच्छा नेता ही नहीं दिख रहा है जो फ्रंट पे आए आंदोलन में, कोई सबको एक कर सके, कोई दिख ही नहीं रहा है। तो मुझे डर है कि राहुल गांधी इटली ना चले जाएं गर्मा गर्मी में। खैर, तो वो सोचेंगे कभी चैन से बैठना ही नहीं देते, मैं तो रिटायर होकर बैठा था, फिर इसमें मामला खराब हो गया, ठीक है। तो ये समझ गए, लिख लोगे? तो अगर वो कह रहे हैं कि कैसे डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन हो रही है कैग के द्वारा, तो ये अधिकार हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ कैग, स्टेटस ऑफ कैग एंड एक्चुअल प्रैक्टिस ऑफ कैग एंड हाउ इट इज स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी। फाइनेंशियल बर्डन खत्म हो रहा है, पब्लिक ओपिनियन बन रही है, ठीक है। और इसमें इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, क्योंकि देखो इसकी सैलरी अलाउंसेज रिमूवल बहुत सारी बातें हैं, कैग की रिपोर्ट चेंज नहीं कर सकते, तो इसकी वजह से ये पद ताकतवर बन के उभरा है, ठीक है। अब सवाल ये है कि कई बार कैग चुप क्यों हो जाते हैं, तो ऐसा कोई खास वजह नहीं है, करप्शन होगा तो दिखाएंगे ना, इशू तो नहीं बनाएंगे ना। तो देखो, अब पर्सनैलिटी के ऊपर भी बेस्ट करता है, जैसे अगर हम बात करें कि If your personality is good, then you will handle this situation well. जैसे for example, जैसे मान लो for example कि मैं क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। अब आपकी personality के ऊपर भी depend करेगा कि
कि आपकी क्या समस्या है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो आते भी नहीं क्लास में, बस वो पता करते रहते हैं क्या चल रहा है अभी। तो किसी ने कहा कि क्या चल रहा, अरे चार दिन से वही चल रहा है, ऐसा कैसे चलेगा, बहुत स्लो चल रहा है। फिर उनका ये हो गया, ऐसा कैसे चलेगा, ऐसा कैसे सर पढ़ा रहे हैं, इतना स्लो कैग में है क्या। अच्छा फिर उधर से फ़ोन किया चार दिन बाद, पता लगा कि 35 टॉपिक खत्म हो गए इसी टाइप के छोटे छोटे। चार दिन में 35 टॉपिक, ये तो बहुत तेज पढ़ा रहे हैं, पूरी पढ़ाई खराब हो गई, आया एक भी दिन नहीं आ रहा है समझ में। तो हमारी पर्सनालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए मैं कहता हूं कि देखो जो रोज आता है उसको भी प्रॉब्लम है, वो जान रहा है कैसे कॉप अप करना है। कुछ टीचर स्टूडेंट से कॉप अप कर लेता है, कुछ स्टूडेंट टीचर से कॉप अप करके, मेन प्रोजेक्ट हमारा क्या है, ज्ञान अर्जन और ज्ञान देना, उसका कहाँ लगा हुआ है, टेलीफोनिक कन्वर्जेशन में है वो, या व्हाट्सएप के किसी ग्रुप में है, या अपना कुछ बना रखा होगा, पार्क में बैठता होगा, समूह शिक्षक आलोचक समूह ऐसा उसने बनाया होगा, एंड ठीक जो जहाँ पढ़ रहा होगा उसकी कॉमन आलोचना निकाल रहे होंगे, और फिर वो किसी निष्कर्ष पे पहुँचेंगे चाय पार्टी में, जैसे बोस्टन टी पार्टी हुई थी वैसे मुखर्जी नगर टी पार्टी की, उसमें ग्रुपिंग में वो पहुँचेंगे निष्कर्ष पे कि ये गड़बड़ियाँ यहाँ के टीचर्स में पाई जाती हैं, हाँ, और इसलिए उनको आईना दिखाया जाएगा, आईना चलाओ आंदोलन, दिखाओ आंदोलन चलाएंगे वो, ठीक है। इसका फायदा कुछ नहीं, 10 साल बाद मिले इधर ही, नहीं मैं तो कुछ दूसरा सोचता हूँ, 10 साल बाद मिले, देखा कि एक ऑटो वाला बहुत तेजी में है, ऑटो वाला वही निकल गया खैर तो मैं पंचायत दो दो देखो हाँ ये उसका इनैक्टमेंट को लेके कुछ किया होगा जहाँ पे लागू, देखो पंचायतों का ये विषय है तो अब वो क्या डिक्लेयर कर दे सरकार, पता ही है सरकार कौन सा नियम कब डिक्लेयर कर दे और कौन सी डे मना ले, है ना। तो हाँ कन्फ्यूजन तो हो ही जाएगा ऐसे सवालों में, और जो बहुत टू फैक्चुअल प्रश्न होते हैं ये PCS का ज़्यादा ट्रेंड है, UPSC तो मतलब उतना पूछती है फैक्चुअल, बट UPSC का ट्रेंड है इंटेलेक्चुअलिटी को बढ़ावा देना, और अब PCS भी उसी राह पे निकल चला है क्योंकि उन्होंने मीटिंग की है, बता रहा था मैं कई एक साल से तो यही बता रहा हूँ कि मीटिंग हुई है और अब मीटिंग का रिजल्ट भी आने लगा है, ठीक है। तो ये एक समस्या दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये हमारे ओवरऑल टॉपिक्स हो गए, ठीक है। अब कुछ और भी टॉपिक्स हैं ऐसे जैसे एनवायरनमेंट रिलेटेड मूवमेंट या ये सब, इसको हम करेंगे अपनी अगली लेक्चर में।